सो अब मैं आपको ये बैग दिखाने तो वाली हूँ, बट पता नहीं वेदर आई शुड शो यू और नॉट, पर चलो दिखा देती हूँ। पता नहीं मैं इसको ऐड करूँगी वीडियो में या नहीं, आई डोंट नो। सो अगर आप ट्रैवल के लिए कोई अच्छे बैग लेना चाहते हो, एंड इसका तो कैप्शन ही देख के मज़ा आ जाता है, ईट वेल ट्रैवल ऑफ यस। हेलो माई क्रिएटिव एंड पीसफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, आप जहाँ भी हो बिल्कुल मस्त हो। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैग कलेक्शन जो हर लड़की के पास, हर वुमन के पास होनी चाहिए। सो दीज बैग कलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 300। जी यू आर गोइंग टू कॉलेज, वेदर यू आर गोइंग टू ऑफिस, वेदर यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल, आपके पास ये बैग्स जो मैं दिखाने वाली हूँ, दिस इज मस्ट फॉर एवरी वुमेन और एवरी वेरी फर्स्ट टाइम। हाई, माई नेम इज किरण एंड आई मेक वीडियो ऑन होम डेकोर, DIY, ट्रैवल, फैशन, बेसिकली लाइफ स्टाइल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैग्स है ना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ट्रैवलिंग बैग। आई कैन से मेरे को बहुत पसंद है ये दो बैग्स, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो इनको पक्का ले जाती हूँ। सो दिस इज द वन, लुक एट दिस, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। और इसमें लिखा है ईट वेल ट्रैवल ऑफन। ये काफ़ी अच्छा बैग है एंड स्पेशियस भी है, ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। इट डू हैव क्वाइट, सॉरी इग्नोर द मेस इनसाइड, बट या इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बट इसमें कोई पॉकेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर आपको एक टच बटन टाइप दे रखा है सो दैट यू कैन क्लोज इट, इट्स लाइक अ टोट बैग यू कैन से। एंड काफ़ी अच्छा है, ये बेज कलर में है एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। आई थिंक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आई कैन से या 3 साल से, यस yes, और इसमें कुछ भी खराब नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल मैक्स। मैक्स की हर चीज अच्छी होती है, जो भी मैंने चीजें ली, वेदर इट कम्स टू कुर्ता, उनके बैग, आपको पक्का जाने चाहिए। अगर आप लाजपत के आसपास रहते हो तो लाजपत वाले मैक्स में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी। पहले मैं इस बैग की बात करूँ तो ये बैग काफी स्टर्डी है, काफी अच्छा है। इसका कुछ भी जैसे एकदम ऊपर ऊपर खराब हो जाती है ना चीजें, हैंडल्स खराब हो जाते हैं, इसके बिल्कुल भी नहीं हुए। एंड दिस इज वेरी स्टर्डी एंड काफी अच्छा है और स्पेस भी अच्छा है इसमें, एंड दिस इज वेरी नाइस। एंड अगर आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो इसको ले जाओ, इट लुक्स वेरी फंकी एंड काफी क्यूट भी लगता है। फेवरेट, अगर आपने मेरा मिनीसो हॉल देखा हो तो डेफिनेटली आपने उसमें देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे देखिए, वहां पर भी आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सो दिस इज माई ट्रेवलिंग बैग, दिस इज लिटिल बिट इन बेबी पिंक कलर और ये काफ़ी अच्छा है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर एक छोटू सा ना पॉकेट दे रखा है, काफ़ी बड़ा नहीं है पर छोटू सा पॉकेट है, एंड देन यू कैन टाई इट फ्रॉम हेयर। और इसको यहाँ पर अगेन ये छोटू सा ना बटन दे रखा है सो दैट यू कैन जस्ट क्लोज इट, यस। और ये भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, रीज़न बींग कि मैं हर ट्रेवल में अपने साथ ले जाती हूँ, बिकॉज अब तो क्या होता है बेबी के साथ इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी लाइक टोट बैग्स, उसमें सब रखो, बस इसको पकड़ो, इसको टांगो एंड यू आर रेडी टू गो। सो इफ़ यू आर मॉम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। वैसे भी अगर आप कॉलेज में भी हो, कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, कॉलेज पुट योर बुक्स, यू कैन पुट योर वाटर बॉटल, एवरीथिंग विल कम इनसाइड एंड ये काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने फिर से मैं इसके बारे में बोलूंगी कि मिनीसो के बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं व्हेन कम्स टू देयर हैंडल, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कुछ खराब ही नहीं हुआ है, मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे बैग्स। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस एट माई प्लेस, बट मेरे बैग ऐसे ही पड़े रहते हैं, बट इन दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। अगर आप ट्रैवल के लिए कोई अच्छे बैग लेना चाहते हो, एंड इसका तो कैप्शन ही देख के मजा आ जाता है, ईट वेल ट्रैवल ऑफन, यस। तो एंड दिस वन, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड दिस वन गोज़ फॉर कॉलेज गोइंग एज वेल। जो नेक्स्ट टू बैग्स हैं ना वो आपके एथनिक के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। तो जब भी मैं कुछ एथनिक पहनती हूँ, कभी कभी मन करता है कि चलो एथनिक पहनो, सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट डेफिनेटली इन दिस विंटर आई एम गोइंग टू वेयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एथनिक क्लोथ्स, तो उसके साथ ना आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा। दिस इज़ आई थिंक आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा और अमेजोन, मैं आपको लिंक दे दूंगी। दिस इज़ फ्रॉम कैनवस का था। गेट दी वाइब, लुक एट दी वाइब, पूरा ना राजस्थानी प्रिंट सा दे रखा है, ये इतना खूबसूरत। अगर आप इसमें पूरी प्लेन वाइट कुर्ती पहन लो विद नीचे डेनिम और जुतियाँ और उसके साथ इसको ले लो, ये बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और ये आई थिंक ज़्यादा नहीं था, 600 तक के, इसने इसके 600 के इन बिटवीन था। एंड ऐसा ही एक ब्रांड था हाउस ऑफ तारा, इफ़ यू रिमेंबर, अभी अवेलेबल है, आई डोंट नो। उसके भी बैग्स बहुत विंटेज ही, बहुत क्लासी लगते थे मुझे, बट हाँ ये भी बहुत अच्छा है। एंड इसका कपड़ा ना कॉटन टाइप है एंड अंदर अगेन स्पेस काफ़ी है। एंड इफ़ यू आर इन कॉलेज
कॉलेज यू कैन कीप ऑल द थिंग्स योर बुक्स एंड एवरीथिंग. कॉलेज में पढ़ता कौन है पर फिर भी थोड़ी बहुत बुक्स तो ले ही जानी पड़ती है. देन यू डू हैव स्पेस ओवर हियर, यू कैन पुट योर मोबाइल फोन और योर वॉलेट. एंड इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ना जिप की डिटेलिंग है, तो जिप से ना आपकी चीजें एटलीस्ट सिक्योर रहती है. इट्स अगेन अ टोट बैग. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम चुंबक. यस, चुंबक के ना प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं एंड एक्सपेंसिव भी होते हैं. जो मैंने आपको दिखाई ये सारे सस्ते थे आई कैन से, बट ये ना है तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बैग है आई विल से. और नीचे कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं. बस दिक्कत हुई है इसकी ये हैंडल में. लुक एट दिस, ये देखिए पूरा का पूरा निकल गया, पूरा का पूरा. बल्कि इन इन बैग्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई इन चीज़ों की. इसका ना ये बहुत दिक्कत होता है इन चीज़ों का. सो लुक एट दिस, दिस बैग इज़ वेरी क्यूट. इफ एथनिक तो उसके साथ ना काफ़ी अच्छा. इफ़ यू आर वेयरिंग वेरी सटल सा एथनिक कुछ तो आप ये ले सकते हैं. सच इसमें दो उल्लू बने हुए, एक उल्टा एक सीधा, एंड यहाँ पर zigzag है. देन दिस इज़ वेरी वाइब्रेंट कलर और यहाँ पर पिंक है. एंड इसमें अगेन यही दिक्कत है जो मैंने आपको बता दी. एंड इसके बाद इसमें कोई जिप नहीं है, कुछ भी नहीं है. अरे कुछ जिप दे देते, कुछ टच बटन टाइप दे देते, एटलीस्ट किसी की चीज़ तो नहीं गिरती. बस इसमें यही प्रॉब्लम है, अगर आपको इतना ही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो आप इसमें एक जिप लगा सकते हो. अदरवाइज दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे ये बैग बहुत प्यारा लगता है. कभी मैं सोचती थी अच्छा इसको काट के इसका फ्रेम बना दूँ, नहीं पर ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि नीचे से तो इसकी पूरी क्वालिटी अच्छी है. बट प्रोडक्ट से मैं ये चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती यार, अपना हार्ड एंड मनी दिया होता है हमने. दीज टू बैग्स आर बेस्ट बेस्ट वेरी बेस्ट विद एथनिक वेयर. आते हैं दो बैग जो कि ऑफिस गोइंग के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है ना, आपको अपनी डायरीज, आपको अपनी वाटर बॉटल और इन चीज़ों के लिए स्पेस चाहिए होता है. तो आई थिंक अगर आपने मेरा H&M वाला हॉल वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ जाके देखना, उसमें मैंने ये बैग दिखाया. दिस इज़ माई फेवरेट आई कैन से. इसके भी हैंडल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. एंड देन यहाँ पर एक बटन दे रखा है. आई डोंट नो क्यों आजकल जिप नहीं देते, जिप देनी चाहिए इन्हें, सिक्योर रहता है और तो क्या है. बट हाँ अंदर बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है. कैन यू सी इतना सारा स्पेस है यहाँ पर, आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हो. देन यू डू हैव एक स्मॉल लिटिल क्यूट सा पॉकेट. आई थिंक ये इन्होंने इसके लिए, दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ज़ारा. येस दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा. एंड यहाँ पर भी दो पॉकेट्स दे रखे. आई विल सजेस्ट यू, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि इसमें कुछ मत रखना, गिर जाएगा एंड ऑल. हाँ यू कैन कीप छोटू सी और वाटर बॉटल, नथिंग एल्स. बट ऐसे बैग्स में क्या होता है, यू नीड अ लिटिल क्यूट पाउचेस सो दैट आप अपना कुछ मेकअप हो या फिर कुछ आपका खाने वाने का हो वो उसके अंदर रख सको. खाने वाने का तो खैर कौन रखेगा, मेकअप वेकअप ही रखेंगे थोड़ा बहुत, तो वो आप रख सको. अदरवाइज इसमें तो कुछ भी आप ऐसे खुला तो नहीं रख सकते. वेरी नाइस, वेरी क्लासी. अगर आप ऑफिस गोइंग है तो ये बेस्ट है आपके. अगेन द वन इज From the brand called Puma. ये मैंने Flipkart से लिया था, सेल पे लिया था उस टाइम. This is very unique bag. Reason being ये जो transparent है ना, इसकी वजह से. और else अगर आप इसको ऐसे करना चाहो ना, if you don't want to use it as a tote bag, you can put it inside and you can use it like this. This is very beautiful bag. Transparent है. And इसका ना ये सबसे अच्छी बात है, इसका ये पूरा का पूरा ये ऐसे निकल जाता है. Look at this. And then you can use this transparent bag like this. आप इसके अंदर कुछ और भी डाल सकते हो. अगर आपके पास कोई neon या फिर plain bag हो, you can keep it inside and you can just use it like this. अरे क्या क्या है इसमें, I don't know. ओके लीव इट. सो ये भी काफ़ी अच्छा है. मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसमें इसका ख़राब होने का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ लिटिल बिट ऑफ कपड़ा, नॉट लिटिल बिट, पूरा कपड़ा है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. काफ़ी स्पेस है अगेन, आई शो यू. एंड इसमें जिप की डिटेलिंग है जो कि बहुत अच्छी है. इसमें भी या मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है ये बैग. एंड इग्नोर दी मिस इनसाइड, काफ़ी अच्छा लगता है ये बैग. जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं ये बैग उठा लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्टर्डी है एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है. यहाँ पर एक छोटू सी पॉकेट दे रखी है टू कीप योर समथिंग एक्सपेंसिव इनसाइड. और एक्चुअली मेरी काफ़ी ज़्यादा याद है, क्योंकि कभी भी मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो फिर मैं इस बैग को पक्का ले जाती थी. बट अब तो कहीं आना जाना हो नहीं पाता जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी, बट इट्स ओके, कभी तो आएंगे दिन, बट इट्स ओके. हाँ तो ये वाला बैग भी काफ़ी अच्छा लगता है. एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, अगर आप भी मेरी तरह हो जो अभी थोड़ा न्यू मॉम बने हैं एंड यू फील द सेम लाइक मी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, मुझे अच्छा लगेगा. ओके नाउ I do have two bags, last two bags, yes. These are sling bags. Okay, sling bags important kab hote hain, jab aap ja rahe ho kahin thodi der ke liye, zyada aapko jana nahi hai kahin, and you are going for just for like 2 hours, 3 hours, and friends ke saath ja rahe ho bahar for coffee or something. What you can do, okay, sorry, what you can do, you can take these kind of sling bags. Or this is
अच्छा ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने, थैंक यू अंकू फॉर दिस, उसके बैग्स में ले लेती थी तो या सो ये बहुत ही क्यूट है, आई डोंट नो अबाउट द ब्रांड, ये आई थिंक उसने वेस्ट साइड से लिया था, यस, और इसका भी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको ये ऐसे स्लिंग सा दे रखा है तो होल्ड इट, ये बहुत ही स्टर्डी है आई कैन से, और ये ब्लैक एंड वाइट कलर में है। वैसे मैं स्लिंग बैग लेती नहीं थी, बट टोल्ड यू पहले भी दैट कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, अदरवाइज आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, मैं हमेशा उन टोट बैग्स के ही पीछे पड़ी रहती थी, बट नाउ अगर आप भी मेरी तरह प्लीज स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर स्टाइल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बिना तो भाई आपको पता कैसे चलेगा कि आप उसमें भी अच्छे लग सकते हैं, तो प्लीज ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, एंड देन यू डू हैव अ स्पेस ओवर हियर, काफ़ी स्पेस है, अगर आपको थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर एंड हाइलाइटर एंड थोड़ी छोटू मोटू सी चीज़ें रखनी है तो इसमें आ जाएंगी, एंड देन यू डू हैव वन पॉकेट ओवर हियर, छोटू वेरी वेरी छोटू पॉकेट, नॉट नथिंग वेरी बिग, तो ये कुछ ऐसा लगता है, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, आई एम रियली लाइकिंग इट, वेरी स्मॉल वेरी कन्वीनियंट, एंड इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर थोड़ी देर के लिए कहीं इसको उठा लो, आपने ये तो डेफिनेटली मेरा देखा होगा फ्रॉम सरोजनी नगर, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर 300, आई कैन से यस 300, तो ये बहुत ही क्यूट है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, पता है ये क्यूट क्यों लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिटेलिंग, ये जो है ना वाइब्रेंट सा इसके साथ ये चीज दे रखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दिस बैग इज लुकिंग वेरी नाइस, और यहाँ पर जिप देखो, जिप ऐसी है भाई साहब, ऐसी तो मतलब किसी ब्रांडेड बैग की भी नहीं होती, इतनी अच्छी जिप है, काफ़ी स्टर्डी है, एंड ऊपर से अंदर वी डू हैव, ओ इसमें तो बहुत स्पेस है यार, हाँ इसमें अंदर पता नहीं मैंने क्या क्या कूड़ा करकट सॉरी भरा हुआ है, तो ओवर हियर वी डू हैव स्मॉल स्पेस एंड देन बिग स्पेस, एंड यहाँ पर एक चेन है जो मैंने तोड़ दी है, बट इट्स ओके, अगेन आप छोटू साइज में अपना वॉलेट भी डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन पुट सो मेनी अदर थिंग्स इनसाइड, इसमें काफ़ी स्पेस है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट गो टू सरोजनी नगर एंड बाय दिस काइंड ऑफ बैग, सरोजनी नगर की जय हो, ओके सो नाउ दिखा देती हूँ, ओके जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना कि बैग्स होते हैं इनमें कुछ भी आपको अंदर कुछ स्पेस नहीं मिल रहा है, जैसे ये वाले बैग्स हैं सारे, ओके तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ पाउचेज, ये तो सबके ही पास होते हैं आई नो, बट दिस वन इज वेरी नाइस एंड ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख जाता है इसके अंदर, काफ़ी गंदी हालत कर रखी है मैंने, इग्नोर इट, तो दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड विक्टोरिया सीक्रेट, ये काफ़ी क्यूट है, काफ़ी खूबसूरत है, जो कि मैंने खुद नहीं लिया है, मुझे गिफ्ट मिला, मैं कभी खुद नहीं लेती इतनी महंगी चीज़ें, तो यस तो ये वाला है, ये काफ़ी क्यूट, अब मैं आपको ये बैग दिखाने तो वाली हूँ, बट इज फ्रॉम माइकल कॉर्स, यस एंड दिस इज गिफ्टेड, ओके तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी भाई इतना, सो दिस बैग लुक्स समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस, ये ना मुझे एक्चुअली जब मैंने मंगवाया था तो मैं पिक्चर में देखा था आई कैन से, तो ना मुझे थोड़ा बड़ा लगा था, एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो ले लेती हूँ, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो अदरवाइज मैं लेती नहीं, तो मैंने को लगा था ये बड़ा है पर ये छोटा आ गया, एंड बट इट्स अ गिफ्ट तो मुझे हाँ रखना है, एंड मैंने ही मंगवाया था, बट अब मुझे लग रहा है इतना पैसा खर्च करना इस पर सही है, बट नो इट्स दिस बैग इज रियली नाइस, और मतलब इतना कुछ नहीं है कि हाँ इतने लाइक हो, बट हाँ ब्रांड का नाम होता है तो ऐसा हो जाता है, एंड दिस लुक समथिंग लाइक दिस फ्रॉम इनसाइड, मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, बट ये मुझे जो स्लिंग्स है ना इसके थोड़े से पतलू से हैं, बट अदरवाइज दिस बैग इज सो 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 क्यूट, छोटू सा है, नॉट दैट मच बिग लाइक अ टोट बैग लाइक मेरे ज़ारा के बैग टाइप के, हाँ बहुत ही बड़ा है, बट हाँ मीडियम साइज़ है एंड क्लासी लगता है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल मीटिंग और कहीं आप ऐसे जा रहे हो तब आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो, दिस इज़ वेरी नाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग मी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू, सी यू सुपर डुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर.